और ये आपके सामने पेश है। हां जी, राम राम जी। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त DEEPAK मतलब कि DK, तो वेलकम है दोस्तों आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो भाई मैं जा रहा हूँ नरवाना, और मैं नरवाना किस चीज वास्ते जा रहा हूँ वो भी थंबनेल का देखने ने मिलेगा। चल मैं थंबनेल बताई दूं यार, अपना भाई है जीत नैन। तो भाई अपनी मान का चलो 1.5 साल से कोई बोल चाल नहीं है, मतलब मैसेज में बात हो जाए कभी कभार अगर मैं कुछ पूछना हो या फिर उसने कुछ पूछना हो, लेकिन जिस तरह पहला था ना लाड, वो चीज थोड़ी सी खत्म हो रही थी। देख खत्म तो नहीं हो सकती है, बस वो थोड़े मनमुटाव थे हमारे। एक्चुअली चक्कर क्या था भाई, पिछले साल अपना भाई या VK माजरा हम उसने छोड़ने जा रहे थे, मतलब मेरी शादी के एक महीने बाद की बात है, मार्च 2023 की। तो भाई रस्ते में कोई हमारी बहस सही हुई थी किसी टॉपिक ने लेगा, तो मैं थोड़ा सीरियस ज्यादा हो गया था, तो मैंने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया था जो उससे हर्ट कर गया था। तो बीच में हमने ट्राई भी करी बातचीत करने की, लेकिन हम कई बंदों के बीच में थे तो वो चीज मतलब सॉल्व नहीं हो पाई है। तो फिर मैंने सोचा भाई आज अपने जीत भाई का रियल बर्थडे है, मतलब रियल बर्थडे कहने का मतलब यह भाई जैसे 16 नवंबर ने भी हम उसने विश करा वैसे, लेकिन उसका रियल आज है भाई 21 तारीख ने। तो भाई मैं नरवाना जा रहा हूँ, और नरवाना भाई रह गया 125 किलोमीटर दूर, 175 किलोमीटर दूर था भाई जहाँ से मैं चला हूँ, मतलब मैं मोहाली मरूँ आपने पता ही है। और भाई ये व्लॉग आपने जीत भाई और के चैनल पर भी देखने नहीं मिल सका जो मेरा पार्ट है, या फिर मैं अपने पर तो डाल लूंगा ही हूँ भाई, क्योंकि ऐसा हो सका कि उन्होंने क्लिप की जरूरत पड़ जाए तो मैं क्लिप दे दूँ, क्योंकि इस चीज़ का किसी ने नहीं पता भाई। तो वह चीज़ मेरी इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है, मैंने अब तक किसी से इतला नहीं करा भाई कि मैं आ रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ भाई अपनी मर्जी से, और मैं अकेला ही हूँ क्योंकि भाई ग्रुप में सबसे छोटा हूँ मैं, तो किसी ने कोशिश भी नहीं करी भाई कि मारी बोल चाल चालू कराने की। तो मैंने सोचा क्यों ना पहल मैं ही कर दूँ, अपने कौन सा भाई डंडे लाठिया चले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, अपना जमीन जायदाद का कोई रोला है, मनमुटाव थे यार कई बार बंदा बोलते हैं, चलो मैंने कुछ बोल दिया होगा, लेकिन भाई मैं उस चीज़ की आज माफ़ी मांग लूंगा भाई, पता कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई छोटा बड़ा नहीं होता यारी दोस्ती में, यार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और भाई एक चीज़ और भी है, आपने पता है कि जीत भाई की तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी पीछे, अब तो खैर बहुत सही है। तो भाई मैं तो खुशियां देना चाहूँ, ठीक है, और भाई राजी हो वही चीज़ है, बस भाई नाराजी करना चाहूँ, बाकी देखते हैं मेरे ते देख कर भाई ने कैसा फील होगा, क्योंकि मैंने कुछ सोच रखा है। तो बस मैं वही चीज़ चाहूँ कि आप भी लास्ट तक जुड़े रहें इस व्लॉग में, ताकि आपने भी मजा आवा कि हाँ कुछ हुआ है। तो मैं तो भी अपनी तरफ से अच्छा करने की ट्राई करूंगा, बस यार रब ते यही दुआ कुछ भी चीज़ स्पॉयल ना हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जा। और भाई बीच में भी मैंने कोशिश करी थी कि चलो मैं जाता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन आज तो फिर मैं चली दिया भाई अकेला, मैं अपनी वाइफ को भी लेके आता साथ में, लेकिन चक्कर क्यों है भाई उसके ना भाई की शादी है, तो इस करके वो आई नहीं, मतलब रिश्तेदारी में भाई की शादी है उसके, फिर मैं अकेला ही आ गया, और अब मैं चले जा रहा हूँ बस, आप देख सको। बाकी गाने भी कितना सुन ले बंदा, बोर सा तो हो रहा हूँ, लेकिन मैंने जाना है भाई और पहुँचना है, मैंने अपने आप से वादा कर रखा है आज। तो दोस्तों बस जुड़े रहियो थम, बाकी दिखाते हैं आपको जो भी आगे रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं नरवाना पहुंच चुका हूं, और भाई अब मैं जा रहा हूं मेरा दोस्त है गुरमीत उसके पास, उसने लोकेशन भेजी है, बस उनके घर पहुंचू। पहुंच चुका हूं गुरमीत भाई के घर पे, और सामने खड़े हैं गुरमीत भाई और मेरी वेट में। ओके, इस साइड लगानी है दिए। हाँ जी, तो दोस्तों केक मैंने ले लिया जीत भाई वास्ता, और गुरमीत भाई मैंने रास्ता बताऊंगा, वैसे मैंने पता है, लेकिन मैंने यहाँ भाई यूँ नहीं पता था कि केक की शॉप कहाँ है, मतलब बेकरी कहाँ है। तो भाई ने मेरे से बताया कि भाई मैंने छोटा का भाई मेन रास्ते पर की सीधा चला गया, और मुड़कर ना देख लिया, बड़ा गिर गया, ये देखियो रोड में है ना, गुरमीत भी नहीं गिरा करता पहला, और ऐसे सो रहे हैं, गिर गिर के सीखे हैं भाई। तो भाई ना ना गिरे बंदे, मैं गिरा हुआ बंदा जब मनीच बली है। तो बाकी मिलते हैं आगे थोड़े देर में जी। दोस्तों तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ जीत और के गांव में, और भाई मैंने ना उसके भाई थे बताई थी मंत्री थे कि मैं आ रहा हूँ, तो यो सीक्रेट सिर्फ मंत्री ने पता है, मंत्री ने कहा भाई मैं कोई नहीं तेरे लोकेशन देता हूँ, तो मंत्री ने लोकेशन दी है, तो मैं उस लोकेशन पर पहुंचने लग रहा हूँ भाई, ठीक है।
बाकी जो भी जैसा कुछ रहा होगा जुड़े रहियो बस हम। हाँ जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि मंत्री भाई ने पता है कि मैं आ रहा हूँ, यो खड़े अपने मंत्री भाई। और भाई मेरा गेटअप ना भाई ने कुछ इस तरह करा था, मैंने भाई से बताई थी कि यूं करना ताकि पता ना लगा। और ये आपके सामने पेश है मांगा का छोरा। मतलब ज्यादा टाइम को नहीं हो या, क्या नाम है, जब यू बोल रहा था नहीं तो उसे टाइम पिछेड़ा कि मैं केक पकड़ लिया और इन्हें जीतता लिख रखा है। हैप्पी बर्थडे जीतता, तो इसके यार ना मैं यार चीज को नहीं नोट करी मैंने। अच्छा, यू जूनियर आवाज बोल लिया नहीं उस टाइम पर, समझ गया था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी। सफर कैसा रहा? हजारों साल सफर कैसा रहा? बढ़िया रहा एकदम। अकेला है, गाने सुन रहे हैं। अकेला है, पसीने देखो कितने आ रहे हैं। खर्च में सांस नहीं आता कैप्सी में, वो मैंने पहली बार करा। मतलब है जहाँ क्यों, मैं तो कर रखे आ गए शुगर सनीचर आ गए, मैं तो कर रखे है पहला, पर पहली बार इतनी बड़ी कैप। आज जुड़ कर करते हैं, बहुत बहुत माफी, मैंने तेरे गले प्यार के बात कर रही थी पर मैंने प्यार इनकू गले कर जितने मेरी बहू है, मैं कहता मेरी बहू है, फिर इस बदल लड़ते मामी। हाँ जी दोस्तों, तो भाई पीछे आपने व्लॉग में देखा ही है, और भाई इतना बड़ा कोई मैटर था नहीं, मेरे ते अच्छा लगा कि मैं गया ठीक है, और मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, और भाई ने भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी ठीक है, और भाई ने एक मतलब अच्छे दिल से वह चीज़ प्रेजेंट भी करी ठीक है, कि हाँ मतलब ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। ऑन कैमरा तो हम कह सको देखा कि नहीं भी क्या आप वीडियो बनाने के चक्कर में मतलब जीत ने तेरे के मतलब प्यार दिखा दिया है कुछ भी, लेकिन मैं थाने सच्चाई बताऊँ मैं व्लॉग बनाने नहीं गया था भाई। मतलब थाने मेरे व्लॉग में ना बहुत कम क्लिप्स दिखेंगी, क्योंकि भाई मैं थाने सच्चाई बताऊँ मैं दो दिन ना लगातार मतलब जीत के गेल गेल रहा भाई ठीक है। मैंने भाई ऑब्जर्व करी हैं चीज़ें मीन्स की जैसे मतलब बिहेवियर में भाई के, क्योंकि यार जब का मतलब बीमारी वाला मैटर हो ना तो काफ़ी कुछ मतलब है वो पता लगा कि हाँ भाई ने वो दिक्कत है, लेकिन चलो रिकवर हो रही है धीरे धीरे। मैं भाई जितना भी रहा ना मैंने टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी, ना कि व्लॉग, क्योंकि यार व्लॉग तो देखो टाइम पड़ा, व्लॉग तो बाद में भी बन जाएगा। और एक चीज़ वैसे भी है भाई के फिर वो चीज़ आ जा रहा था, हम भी कमेंट में हो गए बिल्ला भी तो व्लॉग बनाने गया था, हर चीज़ दिखा रहा है कुछ भी, मैं तो भाई फ़ोन ने तो भूल ही गया था बिल्कुल जाकर ना। और भाई इसी करके ना मैं इस व्लॉग का एंड ना मोहाली कर रहा, देख लो मैं एंड इसका वहाँ भी कर सकूँ था, जीत भाई थे बोलता, रिंकू भाभी थे बोलता कि भाभी था मेरे व्लॉग का एंड करो, मैं कर सका थे यार, पता नहीं क्या चक्कर अंदर ना वो चीज़ है ही नहीं यार, कि मतलब भी जीत भाई के पास मतलब मैं तब जा रहा भाई वो व्लॉग्स बनावा है कुछ भी, क्योंकि भाई थम ना हम लोगों ने अब देख रहे हो ठीक है भाई, और ने अब देख रहे हो, लेकिन हमने यार साथ में वो टाइम देख रखा भाई के बहुत मतलब वैसा टाइम, लेकिन अब जो है भाई
आप सब लोगों ने सपोर्ट दे रखी है भाई, भाई की फैमिली थे, उनके ब्लॉग्स थे। लेकिन भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँ, थमने मैं खुद देखूँ यह चीज़, कई बंदे ने जिस तरह ऊँ कह कर चले जा ला तेरे में ऐठ है जीत, या मतलब कोई भी बंदा हो, मतलब हर किसी तक कह दे बात तो लोग तेरे में तो ऐठ हैगी, ठीक है भाई तेरी चीज़ चल रही है, कुछ भी है मैटर, ठीक है तेरे पास दो पैसे है भाई। हमने ना उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। इब थम जो देखो, मैं भी कभी कभार बनाऊँ वो लोग, मैं रेगुलर रहूँ, लेकिन फिर मैं बाद में रुक जाऊँ, पता क्यों रुक जाऊँ, टॉपिक ही नहीं होता भाई। और उन यूँ देखो वे जत्ते लग रहे हैं ना, चाहे वे कुछ भी कर रहे यार, वे कर तो रहे ना, और यूँ नहीं एक चैनल पर, दो तीन चैनल है देख लो, इस चीज़ वास्ते भी माइंड चाहिए। दूसरी बात यह भाई भी थम एंटरटेन हो रहे हो, और ना भाई किसी के मुँह पर स्माइल लाना इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो भाई मैं तो हैट्स ऑफ सलाम करो भाई इस चीज़ ने कि मतलब बहुत बढ़िया भाई जो भी है ना। तो बस थम जी प्यार दिन रहो यार, ठीक है, बाकी दुआ करियो कि जीत भाई की तबीयत जल्दी सेट हो जा, मतलब बिल्कुल सेट एकदम, जो भी डिसऑर्डर वगैरह था, ठीक है, डिप्रेस्ड वगैरह वाला सिस्टम था वो सेट हो जाए। बाकी मिलते हैं भाई फिर जल्दी नए ब्लॉग के साथ। वैसे मैं रेगुलर तो रहता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की, मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँ भाई, लेकिन वो चीज़ डिपेंड करा है कि आप कितना प्यार दो कितना नहीं, क्योंकि यार मैं ना इस चीज़ ने प्रियोरिटी लेकर नहीं चलता, मैं और भी कुछ ना कुछ करता रहूँ, तो अगर तुम प्यार दोगे तो मैं इसने भी प्रियोरिटी मान लूँगा और रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, राम राम भाई, गलती सलती माफ़ करियो, ठीक है भाई।